चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर पॉइंट्स टेबल में एक बार फिर पहला स्थान हासिल कर लिया है। टॉस जीतकर मेहमान केकेआर को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण देने वाली सीएसके की टीम ने दीपक चाहर, हरभजन सिंह और इमरान ताहिर की घातक बॉलिंग के दम पर केकेआर की 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 108 रन पर रोक दिया। चाहर को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब चुना गया। केकेआर की टीम एक वक्त 79 रन पर अपने 9 विकेट गंवा चुकी थी। पारी के अंतिम क्षणों में आंद्रे रसेल के अर्धशतक की बदौलत उसका स्कोर 100 पार पहुंचा था। रसेल ने 44 बॉल की अपनी पारी में 5 चौके और 3 छक्के जमाए। केकेआर की बैटिंग के दौरान रसेल को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वे चेन्नई के बॉलरों का सामना करने को तैयार हैं। 109 रन का टारगेट का पीछा करने उतरी सीएसके ने 16 बॉल शेष रहते यह टारगेट अचीव कर लिया था। चेन्नई के लिए एक छोर पर फॉफ डू प्लेसिस अंत तक टिके रहे। उन्होंने संयम के साथ अपना खेल बढ़ाया और 45 बॉल की अपनी पारी में 3 चौके जड़े। हालांकि दूसरे छोर से चेन्नई ने अपने 3 विकेट गंवाए। शेन वॉटसन ने आते ही तेज पारी खेलने का मन बनाया और 9 बॉल पर 17 रन बनाकर वह सुनील नरेन का पहला शिकार बने। वॉटसन ने अपनी पारी में 2 चौके और 1 छक्का जमाया।